नाउ हमने आर्टिकल ए देखा, आर्टिकल एन देखा, और अब हमारा बचा है आर्टिकल द। देखो तो द लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने कैटेगराइज किया था आर्टिकल को, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो इसमें आर्टिकल तो था हमारा डेफिनेट, राइट। तो उस वक्त हमने क्या, मैंने क्या बोला था कि मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन को मतलब हमें टारगेट करना है, कोई पर्टिकुलर इवेंट को जब हम टारगेट करते हैं और हम 100% श्योर होते हैं, ठीक है, तब हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये था हमारा रिवीजन, राइट। तो वी यूज द आर्टिकल द व्हेन वी स्पीक अबाउट अ पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, राइट। वी यूज आर्टिकल द व्हेन वी स्पीक अबाउट एनी पर्सन इवेंट थिंग आइडिया इन पर्टिकुलर, मतलब हम कोई मतलब निश्चित व्यक्ति या कोई निश्चित स्थान या कोई फिर निश्चित पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो पहला है हमारा वी यूज द आर्टिकल द विथ सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स। तो इसका हमने एग्जाम्पल लिखा है इधर, राइट। तो विराट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट। तो पहले तो क्या हुआ, स्पोर्ट पर्सन, तो ये स्पोर्ट पर्सन का समूह है। देखो अभी स्पोर्ट्स पर्सन पे जाओ, स्पोर्ट्स पर्सन, तो स्पोर्ट्स पर्सन में हॉकी वाले आएंगे, फुटबॉल वाले आएंगे, क्रिकेटर्स आएंगे, रग्बी, पोलो, वॉट एवर जो भी गेम्स हैं वो सारे स्पोर्ट्स पर्सन हुए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, विराट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, बात हमारी हो रही है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर विराट की बात हो रही है, हम इधर विराट कोहली की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर विराट, राइट। तो क्या था, वो 100% श्योर वाला था कंडीशन। और दूसरा कंडीशन मैंने अभी लिखा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर पर्सन इवेंट, मतलब कोई हम टारगेटेड व्यक्ति, हमारा मतलब कोई, ये हमने ये एग्जांपल सेंटेंस लिखा तो उसका मतलब टोटल मतलब जो सारांश बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, विराट पे जाता है, ठीक है। हम विराट की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि विराट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मतलब जो भी स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, उसमें भी सबसे फेमस, लाइक मेसी, रोनाल्डो, सचिन तेंदुलकर, तो वो सब स्पोर्ट्समैन है, वो सारे स्पोर्ट्समैन के मतलब सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के बीच में विराट उन सबसे ज़्यादा। तो ये हुआ हमारा सुपरलेटिव, मतलब विराट को हमने बढ़ा चढ़ा के बताया, ठीक है। फेमस क्रिकेटर्स नहीं बोला है मैंने, मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट है, कि कोई मतलब गिने चुने आदमियों में से विराट एक है, गिने चुने आदमियों में से भी फेमस, मतलब फेमसों में भी फेमस है, ठीक है। क्रिकेटर्स में मतलब कितने भी क्रिकेटर्स हैं हमारे, रणजी ट्रॉफी वाले, तो फुटबॉल वाले भी है, ठीक है। तो उसमें हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट वाले हैं तो वो फेमस हुए, मतलब टॉप 11 में जो खेलते हैं वो हमारे फेमस क्रिकेटर्स हुए, तो उन उसमें भी विराट फेमस है। तो ये हुआ हमारा सुपरलेटिव्स हुआ, वो भी हम सुपरलेटिव्स जब हम डिग्रीज पढ़ेंगे सुपरलेटिव्स की भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी सुपरलेटिव्स मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया कि फेमसों में भी फेमस, राइट। तो आर्टिकल द की हम बात करें तो इधर हमने द यूज़ किया, आर्टिकल क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम पर्टिकुलर विराट की बात कर रहे थे, ना ही मैंने कि समूह का नाम लिया है, ठीक। तो विराट पर्टिकुलर, विराट की जगह पे अगर मैं मतलब, फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो मैंने बोला था मतलब पर्टिकुलर टारगेटेड, तो अभी नाम हो गया, चलो पर्सन हो गया विराट है, फिर दूसरा क्या है, तो कोई फेमस बिल्डिंग है, फेमस बिल्डिंग, कोई फेमस बिल्डिंग्स है, तो वो हमारा कोई ऑब्जेक्ट हुआ या फिर कोई लोकेशन हुआ, ठीक है। विराट हमने पर्सन की बात कर ली, फिर हमने देखो इधर पर्सन है, फिर थिंग है, राइट, ऑब्जेक्ट है, तो बिल्डिंग, तो कोई फेमस बिल्डिंग का अगर मैं नाम लिखता हूँ, सपोज कि ताज, राइट, फिर कोई मतलब क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम लेता हूँ तो मोटेरा स्टेडियम, तो ये कोई पर्टिकुलर स्टेडियम की बात हुई कि मतलब मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ताज, तो मैं ताज होटल, ये फिर महल, तो ताजमहल, तो मैं पर्टिकुलर ताजमहल की बात कर रहा हूँ, तो वो टारगेटेड ऑब्जेक्ट है मेरा, कि मैं उस मतलब उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि ताजमहल इज मतलब बहुत अच्छा ताजमहल है, मतलब बहुत सारे प्रवाह मतलब विजिटर्स आते हैं, मोटेरा, तो मोटेरा मतलब वर्ल्ड का, इट बिकेम ए मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम,
तो पर्टिकुलर बिल्डिंग मतलब कोई फेमस बिल्डिंग है या फिर कोई मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर मतलब एसपी की बात करूँ तो भूमि टाउनशिप, तो एट द हम लिखते हैं ना एट द रेट एट, तो उसमें भी है मतलब कोई पर्ट एट द रेट में लिखता हूँ। चलो हम इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में हम एट द रेट मतलब अपना दिखाओगे एट द रेट, जीमेल में भी होता है एट द रेट gmail.com, ठीक है आगे भी हमारा जो भी हो वो। तो एट द रेट हम पर्टिकुलर टारगेट करते हैं कि मेरा कोई सपोज कि मेरा जीमेल अभी मैं लिखता हूँ इधर, ठीक है सॉरी ये मेरा ईमेल है, ठीक है तो ये मेरा एड्रेस हुआ ईमेल एड्रेस, ठीक है और एट द रेट करके मैंने लिखा कहाँ पे जीमेल में, तो मेरे सारे जो मेल्स है मेरा जो सारा डेटा है मेरी सारी इंफॉर्मेशन है वो एट द रेट जीमेल में स्टोर है। आपको अगर भेजना है आपको कोई मैसेज मुझे सेंड करना है आप, ठीक है तो आप ये मेरा यूज़र नेम हुआ और एट द रेट जीमेल, जीमेल का कोई मतलब पोर्शन है उसमें आपने टारगेटेड किया कि मेरा मुझे जो इन्फॉर्मेशन मुझे जो फाइल मुझे जो क्लिप भेजना है वो मुझे कहाँ भेजना है, तो एट द रेट, और यहाँ पे भी द राइट, ये आपको याद रखना है ये मतलब सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग हो या फिर कोई पर्टिकुलर टारगेट को तो किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को हम टारगेट करते हैं तो उसके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं राइट। फिर वेन वी आर स्पीकिंग अबाउट एनी पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री राइट, पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री मतलब किसी भी कंट्री के मतलब किसी भी देशवासियों के बारे में, लाइक मैंने अभी बोला था कि इंडियन तो हम लगते द इंडियंस राइट, द जापानीज द चाइनीज राइट, तो कोई पॉपुलेशन मतलब किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, तो कोई पॉपुलेशन के बारे में हम बात करते हैं राइट, तो उसके भी आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, द इंडियन जापानीज राइट द इंग्लिश द ब्रिटिश, तो आर्टिकल द का कहाँ कहाँ पे हमने यूज़ किया, एक तो अभी हमने देखा कि मतलब कोई देश या फिर कोई मतलब किसी नेशन की पॉपुलेशन में, उसके आगे फिर कोई मतलब वेल नोन बिल्डिंग्स राइट, और किसी नाउन पर्टिकुलर नाउन मतलब किसी पर्टिकुलर इवेंट के आगे किसी पर्टिकुलर नाम के आगे, तो वो तीन सीनारियोज हमने देखे जहाँ पे हम आर्टिकल इनका यूज़ करते हैं। और हमारा फोर्थ है कि आर्टिकल द का कहाँ पे यूज़ होता है, तो वेन वी आर रिफरिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल मतलब जब हम किसी कितनी व्यक्तियों का समूह है राइट, तो हमने इधर एग्जाम्पल लिया कि वी शुड हेल्प द पुअर पीपल, तो पुअर पीपल गरीब लोग, तो एक समूह हुआ पुअर पीपल का एक समूह हुआ, तो एक होल ग्रुप हुआ राइट। तो जब किसी हम होल ग्रुप के बारे में बात करते हैं राइट, द टीम स्टूडेंट राइट, तो टीम में मतलब क्रिकेट का है तो 11 प्लेयर हो गए, कबड्डी का है तो 7 हो गए, तो वो एक ग्रुप हुआ व्यक्तियों का समूह, तो उसके आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऐसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स का भी एक समूह है तो उसके आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। हमने आर्टिकल ए एन और द के बारे में देखा, लेकिन सम कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं लाइक कुछ वर्ड है उसके आगे हमें ऑलवेज आर्टिकल दी का ही यूज़ करना पड़ता है। देखो इसमें वो हमारा जो फॉर्मूला है राइट, तो पर्टिकुलर टारगेट वाला तो लगता ही, लेकिन मतलब ग्रामर में से मतलब वर्ड्स दिए गए तो हम अभी पढ़ लेते हैं। लेकिन देखो ये ट्रेन्स, कोई किसी में ट्रेन्स के बारे में बात करनी है सपोज दी राजधानी एक्सप्रेस, तो उसके आगे हम दी राजधानी एक्सप्रेस, तो उसके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। शिप्स, तो द टाइटेनिक राइट, तो उसके आगे द न्यूज़पेपर, तो द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है हाँ मतलब
सबसे पुराना न्यूज़पेपर है हमारे इंडिया का द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और वो सब उसके बाद में द हिंदू सबसे पुराना है। तो द हिंदू ये कोई रिलीजियस का नाम नहीं है, ये द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है। रिवर्स तो दी गंगा, राइट। सीज सीज मतलब समुद्र, तो दी इंडियन ओशियन, राइट, हिंद महासागर। डेजर्ट तो दी सहारा। रिलीजियस बुक तो रिलीजियस बुक हमारा क्या है, दी रामायण, रामायण है। फिर जो हमारा गीता है या फिर बाइबल वॉट एवर रिलीजियस बुक। और डायरेक्शंस, डायरेक्शंस मतलब द ईस्ट, द वेस्ट, दी नॉर्थ और दी साउथ, राइट। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इसके आगे ऑलवेज आर्टिकल द का यूज होता है, राइट। तो मतलब ये 8 वर्ड है वो आपको याद रखने हैं कि उसके आगे हम ऑलवेज आर्टिकल द का यूज करते हैं। सो अभी हमने देखा कि आर्टिकल का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो मतलब आपके मन में डाउट होगा कि सर मतलब आर्टिकल का हमने, आपने बोला कि आर्टिकल का यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे टारगेट करना है, वॉट एवर जो भी बोला, ठीक है। तो फिर हर जगह पे आर्टिकल का यूज़ करना है, मतलब ये फिक्स है कि अगर इंग्लिश हमें बोलना है, इंग्लिश हमें लिखना है, तो यू मतलब वी शुड यूज़ आर्टिकल कंपल्सरी और नॉट, तो नहीं मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कुछ सीनारियोज़ में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो भी मैंने मतलब ये क्वेश्चन ही लिखा है कि वेयर वी डोंट यूज़ आर्टिकल, मतलब कहाँ पे ऐसा है कि हम आर्टिकल यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब आर्टिकल हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो पहला है हमारा बिफोर प्रॉपर नाउन्स, मतलब प्रॉपर नाउन्स, तो जापान प्रॉपर एक नाउन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आई एम गोइंग टू जापान, ठीक है। तो अभी देखो जापान के आगे हमें ए एन द यू आएगा जापान, अगर करना है तो दी आएगा, लेकिन ये रूल ही है ग्रामर में कि अगर सपोज वी आर हैविंग अ प्रॉपर नाउन, तो राइट नाउ वी आर हैविंग अ प्रॉपर नाउन जापान, सो तो डेट्स वाई वी आर वी कांट यूज़ द वी आर नहीं, डेट्स वाई वी कंपल्सरी वी डोंट हैव टू यूज़, राइट। दैट्स वाई वी कांट यूज़ हियर आर्टिकल द, तो सो वी हैव टू राइट कंपल्सरी वी हैव टू राइट दैट आई एम गोइंग टू जापान। इन द सेकंड सीनारियो बिफोर नेम ऑफ एनी लैंग्वेजेस, मतलब मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एनी लैंग्वेजेस लाइक हिंदी गुजराती, तो आई डोंट मतलब यूज इन इंग्लिश एंड गुजराती, राइट। सो हियर आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल दैट आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, मुझे पता है कि मुझे इंग्लिश कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो इधर मुझे आर्टिकल ए एन और दी की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो आई कैन सिंपली राइट दैट द आई नो How to teach English? मुझे पता है कि मुझे English कैसे पढ़ाना है, तो here we don't have to use the article a, an or the, right? In the third, the before material name, before any material name means gold, silver, iron, right? So I am taking an example that iron is a useful material, right? क्या मतलब ऐसे आएगा दी आयरन, मतलब देखो हम पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा हाँ दी आयरन इज ऑन, अगर हमें लिख रहे हैं तो हम लिख भी सकते हैं, लेकिन ग्रामर का रूल्स है कि हमें इधर नहीं यूज़ करना है, वी कैन डायरेक्टली राइट एट आयरन इज़ अ यूजफुल मटेरियल, तो दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज़ हियर आर्टिकल ए एन और द, मतलब इन एनी आर्टिकल, राइट। सो इन द फोर्थ द बिफोर नेम ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, किसी अगर गेम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है राइट कि हमें आर्टिकल ए और एन ए एन और द का यूज़ करना है। तो ये हमने एग्जांपल लिया कि हेमांग लव्स टू प्ले चेस, राइट। तो द चेस के आगे हमें आर्टिकल का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। सेम द बिफोर नेम ऑफ डे और मंथ, अगर किसी मुझे डे और मंथ की बात करनी है लाइक, तो मुझे जनवरी जनवरी एंड जनवरी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जनवरी और मंडे, मतलब डे और मंथ के बारे में जब मुझे बात करनी है तो मुझे आर्टिकल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि वेन वेयर वी डोंट हैव टू यूज़ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल हम कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो बिफोर प्रॉपर नाउन्स, जब हमारे पास प्रॉपर नाउन्स हैं तब हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ठीक। बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेजेस के बारे में जब वी आर टॉकिंग अबाउट एनी लैंग्वेज, सो वी कांट यूज़ आर्टिकल, राइट। फिर बिगिनिंग ऑफ सॉरी
बिफोर नेम ऑफ एनी मटीरियल, लाइक वेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी मटीरियल, सो वी कांट यूज एनी आर्टिकल सेम लाइक दैट. एनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सपोज वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्रिकेट, तो वी आर मतलब वी कांट यूज द क्रिकेट, द फुटबॉल, राइट, अ क्रिकेट अ फुटबॉल, राइट. सो बिफोर द नेम ऑफ एनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स वी कांट यूज एनी आर्टिकल्स, एंड सेम एज इट इज बिफोर द नेम ऑफ एनी डे और एनी मंथ, सो बिफोर द एनी नेम ऑफ डे और मंथ वी कांट यूज एनी आर्टिकल. सो गाइज, मतलब आज के लेक्चर में हमने देखा आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है. तो ये था पूरा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल, जब हमने देखा कि आर्टिकल ए और एन एंड आर्टिकल द का यूज़ हमने देखा, राइट. सो कीप प्रैक्टिसिंग इट एंड वोकैब्स, मतलब इंग्लिश के स्पेलिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग पढ़ो, सिर्फ आपको मतलब वोकैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी लैंग्वेजेस के लिए, तो मतलब वोकेबुलरी इंप्रूव होगी आपका लॉकडाउन का टाइम में, तो यू सो यू ऑल आर फ्री. सो मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश न्यूज़ देखो, या फिर आप अगर टीवी देखते हो कार्टून में तो वो सबटाइटल के साथ आता है, पता है आपको. अब अगर मूवी देखते हो तो उसके नीचे सबटाइटल लिखा होता है, मतलब जो एक्टर जो भी बोलता है ना उसका कन्वर्ट होता है नीचे. तो हॉलीवुड के मूवीज़ है वो देखो आप, मतलब ठीक, राइट. तो कम्युनिकेशन, मतलब बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स कभी नहीं होगी, ठीक है. उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर मतलब आप यूट्यूब पे अगर कुछ देख रहे हो तो आप देखो, फिर उसको बोलने की ट्राई करो, ठीक है. बाकी तो क्या है, मतलब हम इंग्लिश बोलना भी एक आर्ट है, राइट. तो मतलब देखो, हम इधर हम गुजराती पीपल है, राइट. तो मतलब हमारा काठियावाड़ी, उसमें भी हमारी स्पेशली काठियावाड़ी गुजराती, आपको तो पता है मतलब कौन से टोन में हम लोग बात करते हैं, ठीक है. लेकिन इंग्लिश एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है इन रियल लाइफ में, राइट. मतलब आप बड़े हो गए, आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, बड़ी बड़ी कंपनी में अगर आप काम करोगे, ठीक है, तो आपको इंग्लिश कंपलसरी है. मतलब कुछ अच्छे टोन में आपको बोलना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब कैसे बोलते हैं. तो मतलब आप सबटाइटल वाले देखो, फिर पोज करके आप उसको प्रैक्टिस करो कि मतलब ऑरेंज, राइट, दे आर, तो वो सब प्रोनाउंसिएशन है उसका आप प्रैक्टिस करो, राइट. तो मतलब आपके इंग्लिश इंप्रूव होगा, मतलब आपको बोलने में दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, और मतलब आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो मतलब यू आर फैमिलियर विद दैट, एंड आपको और आपको भी मज़ा आएगा. मतलब एक बार आप ट्राई करो, मतलब किसी इंग्लिश मूवी को देखो और फिर उसको पोज करके आप उसको प्रैक्टिस करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं मतलब सर, अच्छा सर ने सही बोला था, ठीक है. मैं MNC के लिए मैंने वर्क किया है तो मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि मैं जब स्पोकन इंग्लिश में सीख, मैं कोर्स नहीं किया है कहीं से मैंने, ठीक है. तो मैं भी ऐसे ही सीखा था, मतलब मैं ऑफिस में फ्री रहता था, ठीक है, या फिर घर पर फ्री रहता था तो मैं फ़ोन में देखता था, फिर लिखता था, ठीक है. ग्रामर देखो, ग्रामर सीखना भी ज़रूरी है, राइट, लेकिन प्रैक्टिस भी इतने ज़रूरी है. तो मतलब मैं इधर पढ़ाता हूँ तो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है. और पेरेंट्स को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मतलब आपके अपने चिल्ड्रंस को, मतलब अपने किड्स को थोड़ा प्रैक्टिस करवाए, ठीक है. सो थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट.